हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आज आप सबको पता लग ही गया होगा कि अभी अभी हमारी डेट शीट है जो आ चुकी है एमएड सेकंड सेम की और एमएड फोर्थ सेम की, ठीक है जी। और हमारे पास जैसे कि जो एमएड सेकंड सेम है उनकी टाइमिंग सुबह 9:30 से 12:30 की है, ठीक है। और 13 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और उनके 23 मई को एग्ज़ाम्स है जो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है जी। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब उसके बाद फोर्थ सेम वालों पे आते हैं, उनकी जो टाइमिंग है वो 2 से 5 होती है, मतलब इवनिंग जो शिफ्ट है उस टाइम एग्ज़ाम होता है। और जो एमएड सेकंड वालों का है वो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, ठीक है जी। और जो फोर्थ सेम वाले हैं उनके एग्ज़ाम 14th से स्टार्ट हो रहे हैं, 14th मई से, और 29th तक चलेंगे, ठीक है। 29th तक भी उनके हैं जिनको ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है। बाकी आईसीटी वाला जो फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसका 14th मई को एग्ज़ाम है, वो तो सबका सब्जेक्ट है ही है, कॉमन सब्जेक्ट है। बाकी जो हमारे पास ये 5 सब्जेक्ट बचे हैं उसमें से ये जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल है, जिसमें से 3 आपने चूज़ किए होंगे, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की डेट्स चेक कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग आपका वो जो एग्ज़ाम है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो आपने ऑप्ट किया है उसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है जी। सो आई होप ये आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी, क्योंकि अभी अभी डेट शीट आई है, एंड अपनी तैयारी में लग जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग वालों के लिए तो सबसे अच्छी बात है, जैसे कि हमने क्या किया था ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे, मैं फिर से बता देती हूँ कौन कौन से हैं जिन पे मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, क्योंकि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरे खुद के हैं, ठीक है। आईसीटी पे तो बनी है वीडियो डिसेबल्ड वालों पे, ठीक है, एंड करिकुलम स्टडीज़ पे और लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है जो, उसकी टेंशन मत लेना, आराम से वो प्लेलिस्ट मैं तैयार कर दूँगी। 6 दिन है, ठीक है, उससे पहले टाइम मिला तो उससे पहले कर दूँगी। अदरवाइज़ जो पिछले ये जो 3 सब्जेक्ट हैं उनकी कंप्लीट करना पहले ज़रूरी है, जिसमें हॉलीडेज़ कम है, ठीक है जी। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।